हाँ तो भाई जिसका हमें इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ गई है जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में अपने में बोला था कि पापा ऊपर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे तो फाइनली पापा ऊपर शिफ्ट हो गए हैं तो ऊपर शिफ्ट होने का रीजन भी बताएंगे तो पॉडकास्ट में बने रहिए और लास्ट तक देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तो माय चैनल जो चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि मोस्ट अवेटेड हमारे जनाब का व्लॉग आ गया है और जैसे कि हमने कहा था कि नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे क्योंकि मैं सर का तो प्रोजेक्ट है सर इसलिए नहीं जाएंगी मैडम क्यों नहीं जाएंगी वो भी नहीं और पापा का ऊपर रीजन क्यों है वो भी हम आपको बाद में बताएंगे तो चलिए जी शुरुआत करते हैं गाड़ी में अपडेट देने के लिए जो कि टाइटल ही है कि सबा और सनी को स्पेशल फील करवाया स्पेशल फील करवाने की कोशिश क्या है वो भी हम आपको बताएंगे अब साथ बैठ कर डिनर करेंगे ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि फैमिली का साथ बैठ कर डिनर करना कोई नई बात नहीं है वो तो होना ही चाहिए जब फैमिली है तो साथ में ही डिनर करना चाहिए ना बहू बेटा बच्चे सब साथ में डिनर करना चाहिए लेकिन ये इनके लिए बहुत बड़ा स्पेशल फील कराने वाली बात है चलो जी वो क्यों हो रहा है क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं यानी कि अम्मी फिजा फिहान और बाकी सारे जो लोग हैं वो जा रहे हैं पापा नहीं जा रहे हैं सो पापा नीचे रहेंगे तो इस वजह से पापा को ऊपर शिफ्ट कराया क्योंकि अब मैडम तो नीचे आके टेक केयर नहीं कर सकती सो वो क्या करेंगी ऊपर से ही टेक केयर कर सकती हैं तो ये जो शिफ्टिंग है ये पहले क्यों हुई हमने पहले भी सवाल उठाया था क्योंकि घर जब तैयार हो गया है और इन्होंने खुशी खुशी बता भी दिया जो भी वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे वो अब से डेढ़ दो महीने पहले ही जा चुके हैं जो इन्होंने मिलवाए भी थे व्लॉग वैसे भी दो दो तीन तीन दिन बाद आता है और वो व्लॉग जो उन्होंने करवाए थे पोताई वाले हों फिर वो चाहे वो कारपेंटर हों उनसे जिनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया था और मैडम को जो बेचारी डिजाइनर थी उसको डिफेम भी किया था सो वो उनके व्लॉग आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया तो जब कमरे रेडी थे घर रेडी था पूरा तो फिर पापा को शिफ्ट क्यों नहीं कराया और ऐसा कौन सा काम हो रहा था पापा के रूम में स्पेशल वाला जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था इट मीन्स वो कंप्लीट था लेकिन पता नहीं क्यों वो शिफ्ट नहीं करवा रहे थे वो जो सो so कॉल ये कहते हैं ना प्राइवेसी प्राइवेसी कहीं ऐसा तो नहीं उस प्राइवेसी का ख्याल आ गया हो उनको मुझे तो ये समझ में नहीं आता कोई अपने पापा से बीमार पापा से ऐसे कैसे बात करता है जैसे कि ये जनाब करते हैं ओए आ गया मैं आ गया ठीक हो हाँ जी ये ऐसे कौन बोलता है हमने तो नहीं देखा भाई किसी को भी इस तरह से अपने फादर से बात करते हुए और भाई आ जाते हैं किचन में हो गया सब रेडी और हाँ भाई ये बात तो कहनी पड़ेगी मेरी वाइफ सुपर वुमेन है तो ये किसको बता रहे हैं किसको जता रहे हैं सुपर वूमेन का टैग तो हम लोगों ने पहले ही उनको दे दिया है क्योंकि वो अकेले सिंगल हैंडेड ही सारे काम कर लेती हैं सिंगल हैंडेड उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में खूब अच्छे से खाना पीना सब बना लिया अपने घर का काम कर लिया खुद की टेक केयर कर ली आपको भी पैम्पर कर लिया और सिंगल हैंडेड ही उन्होंने अब डिलीवरी के बाद भी सारे काम कर लिए यह नहीं दिखाया कि कोई हेल्प कर रहा है कोई बच्चे की मालिश कर रहा है या फिर कोई आके किसी भी तरह की हेल्प कर रहा है किसी हेल्पर को नहीं दिखाया हेल्पर से याद आया इन्होंने जो देव भैया की जो भाभी थी उनको एक ही बार इंट्रोड्यूस कराया उसके बाद क्या वो चली गई हैं काम छोड़कर हमने तो जब तक भी देखा है अब तक के ब्लॉग में यही देखा है वो जो भरम दादा है ना वो का खाना बनाते हैं वो इनका सारा काम करते हैं फिर चाहे वो लाइट लगानी हो चाहे उतारनी हो चाहे फिर वो बेबी का जो है टेक केयर करनी हो उसको झुलाना हो या कोई भी काम हो या स्पेशल चाय बनानी हो या फिर इनके लिए अजवाइन का पानी उबालना हो तो सारे काम हम तो भरम दादा को करते हुए देख रहे हैं तो अब वो जो रखी थी दीदी वो दीदी चली कहाँ गई और फिर मैंशन नहीं करा किसी भी ब्लॉग में कि वो चली कहाँ गई और जैसे बच्चे बाहर से चोट लगा के आ जाते हैं ना फिर मम्मी को बताते हैं एग्जैक्टली वैसे बता आज पता है मेरे साथ क्या हुआ मेरे पैर में चोट लग गया और कहती है हाँ ये क्या हुआ मतलब फिर वो उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस करते करते लग गया था और उसके बाद एज़ यूजल जैसे कोई भी इतना सा भी कोई एकदम से नया कुछ किया हो अच्छा किया हो या कुछ भी गुड न्यूज़ हो छोटी सी भी तो मैडम का जंप करना कैसे रह सकता है और बहुत ही ये बहुत ही एक्साइटेड होकर कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत बहुत, बहुत सॉरी मैं भूल गई थी मैंने एक बार बहुत बोला बहुत 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 बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने आज एक झलक देखी है और झलक किसकी देखी है इनकी प्रैक्टिस की जो इनका नेक्स्ट वीडियो इनके सेकंड एपिसोड जो भी आने वाला होगा उसकी झलक देखिए और उसी में ही इतनी एक्साइटेड हो रही है भाई आपके एक्साइटेड होने से हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है वो तो तभी होगा ना जब हम उसको देखेंगे जजेस देखेंगे आपके खुश होने और एक्साइटेड होने से तो वो कुछ नहीं हो पाएगा और पता नहीं क्या चलाते हुए बार बार कहती है आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी और अगर आप मुझे और फिर जना पूछ भी रहे कि क्यों, क्यों भाई क्यों इतनी खुश क्यों हो तो कह रही अगर आप मुझे आके ऐसी खबर दोगे तो मैं तो हैप्पी होंगी ना भाई ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ दे दिए कौन सा खजाना मिल गया फाइनली जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो एक बैल की आवाज आपने सुनी होगी तो बैल बजती है तो फिर जो नीचे वाली जो लोग हैं वो ऊपर आ जाते हैं क्यों ऊपर आ जाते हैं क्योंकि डिनर तैयार हो रहा है स्पेशल फील कराना है तो डिनर की प्रिपरेशन हो रही है तो बस ऐसे आते हैं मतलब घर की बहू के घर में या यूं कह लो एक ही घर में फिर ये दिखाते हैं हम साथ साथ हैं लेकिन एक ही घर में आते ऐसे हैं जैसे बहुत बहुत दिनों बाद मेहमान आते हैं ना और उनको इस तरह से फील होता है कि जैसे हम किसी अदर पर्सन के घर में आए हो ना कि अपने बेटे के घर में हो और बुआ भतीजे को खिलाते हुए कहती है हाँ इधर देखो इधर देखो और काफी टाइम बाद फिर वो उधर देख लेता कहते हैं बड़ी खुश होती हैं ओ इधर देख लिया ऐसे डर डर के खिलाती हैं जैसे किसी अननोन पर्सन के बच्चे को खिला रही हैं अरे भाई बुआ भतीजे का या बुआ भतीजी का तो ऐसा अनलिमिटेड अनकंडीशनल प्यार होता है ना हमसे पूछ के देखो हमारे दो भतीजे हैं एक भतीजी हैं इतना पीछे पीछे लगे रहते हैं और हम इतना मतलब उनको ऐसे करते हैं कि वो शायद अपने मम्मी पापा से वो इतना नहीं करते जितने अपनी बुआओं से करते हैं अरे के सारे आ जाते हैं पापा से मिलने के लिए तो वहाँ कह रहे हैं कितने दिनों बाद आए हो तो पापा को बेचारे को एक एक दिन याद है क्योंकि उनको पता है ना अब पता नहीं नहीं भाई हमने तो ये देखा है कि वो जब नीचे रहते हैं ज़्यादा खुश रहते हैं ज़्यादा इंजॉय करते हैं ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते हैं अब यहाँ तो बस वही एक ही कमरे तक सीमित हैं खाना खा लिया वॉक करने के लिए हॉल तक आ गए वहाँ क्या है उनके कमरे तक भी लोग जाते हैं टी भी उनके साथ बैठ देखते हैं बातें भी करते हैं लोगों की आवाज़ें भी आती हैं बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं और जो डब्बा मैडम में है वो भी इन्वॉल्व रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऊपर से ज़्यादा नीचे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इनके जो पापा हैं उनको ऊपर आने का बहुत ज़्यादा शायद आदत पड़ गई है तो वो आके वहाँ पे बहुत ही खुश हैं एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं जो कि उनसे लग रहा था देखने में तो वो एक एक दिन गिनकर बताते हैं कि पाँच महीने बाद आया हूँ मैं तो डब्बा मैडम कहती हैं कोई बात नहीं नीचे भी आते जाते रहना और जैसे घूमने आते हो ना वैसे नीचे भी आ जाना ऐसे कह है जैसे किसी मेहमान से कहती आप हमारे घर भी आना पीछे से बिहान बोलता है कि आओ शाम की चाय नीचे ही तो पापा कहते हैं हाँ ठीक है ऐसा तो होना ही चाहिए ना भाई अब जब वो इतना थोड़ा थोड़ा वॉक कर लेते हैं और लिफ्ट भी है तो आराम से जाओ चार छः घंटे नीचे बिताओ वापस से ऊपर आ जाओ अभी तो खैर ये सारे लोग जा रहे हैं लेकिन जब ये पर ही रहेंगे अब आगे भी परमानेंट तो ऐसे ही होना चाहिए जिससे कि बच्चों में वो इन्वॉल्व रहें और ज़्यादा उससे क्या होता है कि जो वो एक्टिविटी करवा रहे हैं जो उनके जो केयर टेकर हैं एक्टिविटी करवा रहे हैं वो एक्टिविटी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर और लोग भी मिल हो जाते हैं सो so, भाई फाइनली दर्शन हुए हमारे फनी भाई के इनके व्लोग में इतनी देर बाद किचन में, में आ जाती है और वहां पर लिस्ट यानी कि मेन्यू शुरू हो जाता है मैडम का कि क्या क्या बनाया क्योंकि एज यूज हमारी जो डब्बा मैडम थी वो यही तो करती थी अपने व्लॉग में जाती थी कैमरा लेकर और ये पूछती थी भाभी क्या बनाया है भाभी क्या कर रहे हो तो बस वो बता आती है कि चिकन बनाया है मटन बनाया है चिकन पुलाव बनाया है और मैं तो ये भी बनाने वाली थी लेकिन ये क्रैंकी हो गया तो कहती है, अब तो ये चुप है हाँ भाई अब वो तो हमने जब देखा ही नहीं है तो हमें क्या पता पर इतनी सारी चीज़ें बनाने के बावजूद भी सुपर वुमन जो है ना वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उनके जो जो मेन चाइल्ड है वो कुछ अचीव करके आए हैं कुछ अच्छा करके आए हैं तो कहती है मेरी सारी थकान दूर हो गई अच्छा एक चीज़ और नोटिस की हमने क्या है ना विहान तो देखा है हमने कभी कभी इनके व्लॉग में दोनों के में कि हमारी मैडम के या जनाब के व्लॉग में भी कि वो आता है ऊपर उसको खिलाने के लिए पर मैंने कभी फिज़ा को ऊपर आते हुए नहीं देखा कि वो स्पेशली आए क्या उस बच्ची को खिलाने का मन नहीं करता क्योंकि हमने जो देखा हाँ, अभी वो ऐसे डर डर के खिला रही थी मतलब वो पता नहीं डरती है ये क्या है ऐसे तो नहीं है कि इतनी छोटी है कि वो गिरा देगी या वो संभाल नहीं पाएगी या ले नहीं पाएगी अच्छी खासी मेच्योर है अब तो मेरे ख्याल से एटीन प्लस तो हो ही गई होगी तो स्कूल में लेट बिठाया है तो लेकिन एज तो है ना जैसे उनके बर्थडेज मनाए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एटीन प्लस वो है तो वो आराम से ले सकती है उसको लेकिन वो डर डर के उसको खिला रही थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी पराए बच्चे को खिला रहे हो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होनी चाहिए थी फाइनली डिनर की जब तैयारी हो जाती है तो पापा भी बाहर आ जाते हैं और वो भी उनसे मिलते हैं जो फैमिली वहाँ पर आई हुई थी बट इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई है कि वो फैमिली कौन है कैसे हैं अब ठीक है बहुत सारे लोग जानते होंगे मे बी तो उसके बाद जो है डिनर लगा दिया जाता है और क्योंकि टेबल छः हैं लोग ज़्यादा हैं तो कुछ नीचे लगा दिया जाता है और कुछ टेबल पे लगा दिया जाता है और खाना वाना खा लिया तो विदा लेने की बारी आ गई है तो मैडम जो है निकाल के लेकर आती हैं गिफ्ट क्योंकि हम एनिवर्सरी पर नहीं हो पाएंगे तो ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही पहली एनिवर्सरी वो तो इतना हाइप बना रखा है इतना हवा बना रखा है ये बुक कर लिया वो बुक कर लिया हर मतलब डेढ़ महीने से वो एक ही राग गा रही है इस चीज़ के लिए एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी तो भाई जा क्यों नहीं रहे हो भाई आप जा हो, फ्लाइट से पापा के साथ और दिन के दिन में एनिवर्सरी करके एक दिन में वापस भी आ सकते हो तो एक दिन में जो हमारे, जो हमारे आपके चाइल्ड है, वो मैनेज कर सकते हैं तो आप पापा के साथ भी पर जा सकते हो जैसे शादी में गए थे लेकिन क्या रीज़न है भाई वो तो हम बेहतर बेहतर ये बहतर जाने और अल्लाह बेहतर जाने तो भाई देखो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अच्छा और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको सुनने के लिए मिलेगा तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और हाँ नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ टिल take care.